लोकेशन पे बीच पे आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा ही जगह है। तो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं गोवा बीच, चलो आपको दिखाते हैं आगे का नज़ारा। सो फ्रेंड्स देखो गोवा बीच का नज़ारा, देखो आगे चलते हैं। तो गाइस यहाँ का व्यू देखो यार, मतलब इतना औसम व्यू है ना, मन कर रहा है ना यहाँ पे ना एक टेंट लगा ले और वहाँ पे रह ले सच में। और पानी देखो कितना साफ है, अभी तो थोड़ा नाइट का व्यू हो गया है पर जब सुबह मॉर्निंग में व्यू देखोगा ना यहाँ पे बहुत औसम व्यू आएगा। सब देखो यहाँ पर अपना इन्जॉय कर रहे हैं, वो सामने देख सकते हो पुल दिख रहा है आपको। अब चलते हैं यहाँ पे अपना देखते हैं, वैली उतार चुकी है तो अब चलते हैं अपना पानी के अंदर, देखते हैं कैसा है पानी, ठंडा है या गर्म है। ओ गाइस बहुत ठंडा पानी है, बहुत ठंडा है गाइस, बहुत ज़्यादा ठंडा है क्योंकि ये पहाड़ों की हवा है ना तो गर्म नहीं होता है। मेरा गॉगल गिर गया, पहले मैं गॉगल उठा लेती हूँ। मज़ा भी आ रहा है पर पानी में। तो गाइज़ आप यहाँ ना जब भी आए ना आपको रियली यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, बहुत अच्छा फील होगा यहाँ पे। अभी तो नाइट हो रही है तो इतना आपको व्यू नज़र नहीं आ रहा होगा पर देखो पुल देखो कितना औसम। इसमें पूरी लाइट नहीं जल रही गाइज़, तो पूरी यहाँ पे लाइट जलती है, बहुत कम लाइटें जल रही है, आप देख सकते हो इसका व्यू पर बहुत अच्छा लग रहा है। पूरी देखो आप लाइट नहीं जल रही है, कुछ होगा रीज़न शायद, हमें नहीं पता इस चीज़ का। तो यहाँ पे मज़ा आ रहा है गाइस बहुत ज़्यादा पानी में, तो मुझे तो मेरा तो निकलने का बाहर मन नहीं हो रहा। मैं कपड़े नहीं ला रही चेंज करने के लिए, नहीं तो पक्का मैं यहाँ पे नहाती। तो चलते हैं बाहर अभी फ़िलहाल, तो अभी उस तरफ सोच रही हूँ मैं जाने की पर अंधेरा हो रहा है, छोड़ो बाद में स्लीपर्स पहनते हैं पहले अपने फिर चलते हैं। इसको भी लगा लेते हैं अपने गॉगल को, गाइस मेरा ना गॉगल गिर जाता है पता नहीं क्या है इसमें प्रॉब्लम। फूल को अर्पण करते हैं वहाँ पे, हाँ जला दो, जलेगा ना। पानी बहुत गहरा है, ज्यादा मत आसपास।
शूज के साथ ही धो लिए पैर बहुत।